नमस्कार, सविताज वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिनी कचौड़ी, वो भी बिना मैदा के। सबसे पहले बनाएंगे कचौड़ी का आटा। आज हम मिनी कचौड़ी को मैदे से नहीं बल्कि गेहूं के आटे से बनाएंगे। सबसे पहले 1 कप गेहूं के आटे को छान लेंगे। ये देखिए, गेहूं का आटा छानने से उसका गेहूं का छिलका, जिसको हम चोकर बोलते हैं, मोटा हिस्सा निकल गया है। तो उससे क्या होता है कि आपको जो आटा मैदा जैसा दिखेगा और सामने में एकदम सॉफ्ट सा लगेगा। आप इस स्टेप को बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर इसको करें। हम कचौड़ी के आटे को सानेंगे। ज़्यादा बर्तन गंदा मत करना, जिसमें छाना है उसी में सान लेना। हम आटे में 1 छोटा चम्मच नमक मिलाएंगे। आटे को मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि नमक सब में फैल जाए। अब हम इसमें बीच में खट्टा करेंगे, ये, और इसे मिलाएंगे 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसकी जगह आप घी भी यूज कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि जरा भी गुलथी उलथी ना रहे। अब इस आटे को ऐसे लड्डू बना के देख लीजिए कि ये हमारा आटा सानने के लिए तैयार है। अब हम आटे को 1/4 कप पानी से सानेंगे और पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके हिलाएंगे। मेरा आटा सन गया है, इसको आप 10 मिनट के लिए ढक के रख दें। अब बनाते हैं कचौड़ी की फिलिंग। अब हम कचौड़ी के मसालों को भूनेंगे। सामानों की लिस्ट बहुत लंबी है, उसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा, 8 काली मिर्च के दाने। अब इसको आप भून लीजिए, खुशबू आने तक इसको भूनिए। अब इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है भुने की। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए। अब इसमें 1 चम्मच तिल भून लेंगे। जब ये चटकने लगे तब तक आप भूनिए, और फिर उसके बाद बंद कर दीजिए गैस। मेरा तिल हो गया है, इसको आप निकाल के रख दीजिए बोल में। कचौड़ी की स्टफिंग के लिए आप कोई भी फरसान ले सकते हैं, पर वो बेसन का बना हो, चाहे वो पापड़ी हो, गाठिया हो, सेव हो। यहाँ पर हम ये भुजिया ले रहे हैं। 1/2 कप भुजिया को आप पीस लीजिए। कोई भी फरसान हो उसको आप दरदरा पीसिएगा, ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। अब इसको आप बोल में निकाल लीजिए। जो मैंने खड़े मसाले भून के रखे थे वो अब ठंडे हो गए, उसको आप पीस लीजिए। ये साबुत मसाले को भी आप दरदरा पीसिए। अब इसको इसमें डाल दीजिए। कचौड़ी की फिलिंग बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें सामान। सबसे पहले 1/4 चम्मच अमचूर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच सफेद तेल भुना हुआ, 1 चम्मच काजू बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच बादाम बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच बारीक सेव, 1/2 चम्मच पीसी हुई शक्कर,
अब इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मिक्स करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि इसको डालने से टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, जिससे कि ये बाइंडिंग अच्छी हो जाए। अब इस फिलिंग के आप छोटे छोटे गोले बना लीजिए। इसी के साथ हमारा फिलिंग रेडी है। अब 10 मिनट से रखे हुए आटे को आप मसल लीजिए। जितना आप मसलेंगे उतना ही आटा जो है सॉफ्ट बनेगा। आप चाहे तो हाथ में तेल लगा के हाथ को चिकना कर लीजिए और उससे मसलिए। अब इसकी आप छोटी छोटी लोइयां काट लीजिए। पहले एक लोई लिया, उसको ऐसे ऐसे करके मसल लीजिए। अब इसको गोल कर लीजिए, फिर हाथ से हथेली से चपटा कर दीजिए, अंगूठी से ऐसा कर दीजिए गहरा, और फिर इस लोई को बड़ी कर दीजिए, जिससे कि हमारी सब फिलिंग अच्छे से फिट हो जाए। ये जा, अब इसमें ये रखिए स्टफिंग, और फिर इसको ऐसे ऐसे करके लोई को बड़ा करती जाइए थोड़ा थोड़ा, और मसाले को अंदर ठेलिए। अब इसको आप सब तरह से लेकर के मोदक की तरह मोड़ लीजिए और अच्छे से करिए, फटे आटे नहीं, हल्के से। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको आप थोड़ा सा निकाल दीजिए। ये अब इसको करके मोड़ करके इसको फिर राउंड राउंड करके बना दीजिए। अब हम अपनी कचौड़ियों को तलेंगे। कचौड़ियाँ हम तलने में डाल दिए हैं। अब इसके बाद आप चलाते रहिए और ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। इसी के साथ हमारा मिनी कचौड़ी तैयार है। अगले वीडियो में हम बनाएंगे शक्कर पारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।